नवरात्रि का ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ जो आपको कोई नहीं बताएगा, कहीं नहीं मिलेगा। मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री, आज लेकर आई हूँ बहुत ही नई और बहुत ही उपयोगी जानकारी। यदि आप ऐसा करेंगे ना, तो देखिएगा किस तरह से माता सिद्ध हो जाती है, आपकी चौकी सिद्ध हो जाती है। माता सिद्ध होकर आपके पास दर्शन देने आ सकती है, स्वप्न में दिख सकती है। तो मैं हूँ उमाश्री, आज बहुत प्यारी सी जानकारी आपके लिए लेकर आई हूँ, तो वीडियो पूरा देखिएगा। बहुत छोटा सा वीडियो है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 2 मिनट लूँगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए। इसके अलावा कुंडली का परामर्श लीजिए, कल से ऑफ़र चालू हो रहा है, 1,000 में एक सवाल पूछ सकते हैं, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस हैं, तो बिना देरी के आप संपर्क करिए। मित्रों, ये मैंने ऑनलाइन मंगाई है, और अगर आपको मिल जाए इजीली तो आप कुम्हार से ये मिट्टी तैयार करवा लें, जिससे कि घड़े वगैरह बनाए जाते हैं, दीपक भी बनाते हैं वो। बनी बनाई तो देखो हर चीज़ बाज़ार में मिल जाती है, पर भगवान आपके भाव के भूखे होते हैं। आप शुभ मुहूर्त में ये दिया बनाइए। शुभ मुहूर्त में पहले की वीडियो में बता चुकी हूँ आपको, नहीं तो किसी भी दैवज्ञ के वीडियो में आपको मुहूर्त पता चल ही जाएगा। हालांकि मैं इस पर नवरात्रि पे मैं काफ़ी वीडियो पहले बना चुकी हूँ, इसलिए मैंने अभी ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई है, इस पर लिमिटेड ही बनाई है। मेरा दूसरा चैनल किताबी कीड़ा देखिए, उसके अंदर मैंने मंत्र बताए हैं जो कि शापोद्धार मंत्र है। आपको पता है ना, दुर्गा सप्तशती जब पढ़ते हैं तो कुछ नियम कायदों का पालन करना पड़ता है, तो उसी निमित्त मैंने वो वीडियो बनाए हैं, तो वो ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा ये जो वीडियो है बहुत ही काम का है। तो इस तरह की मिट्टी ऑनलाइन मिल जाएगी, और अगर आप ये कल ना कर सकें तो आप जो नवरात्रि जिस दिन समाप्त होंगे उस दिन भी ये क्रिया कर सकते हैं। जब भी आपके पास मिट्टी अवेलेबल हो जाए कर लें आप, नहीं तो कुम्हार से थोड़ी सी मिट्टी आप मांग के ले आएँ। और ये इस तरह का दीपक आपको बनाना है, आप किसी भी शेप का बना सकते हैं, कुछ कुल मिला के उसमें थोड़ा सा होल होना चाहिए। इसमें हमें डालनी है काली मिर्ची, काली मिर्ची और तिल का तेल डालकर ये दीपक जलेगा, प्रज्वलित होगा। बत्ती कोई भी लगा दीजिए, ये आपको अपने पूजा स्थान में जहाँ आप अन्य तरीके से पूजा करेंगे उसके साथ ही साथ ये चीज़ भी रख दीजिए। इसके बाद आपको जपना है काली मंत्र, काली माता का मंत्र आपको जपना है। काली माता का मंत्र जपने से आपको सिद्धि प्राप्त होगी। आपको पता ही है माता रानी के कई रूप हैं, और सभी की कृपा हमें चाहिए होती है। जिन लोगों को शक्तिहीनता का अनुभव होता है, जिनके अंदर शक्ति नहीं है, उनके लिए माता काली स्वरूप की उपासना विशेष फलदायी है। हालांकि माता काली की जो तस्वीर है गृहस्थी लोग घर में नहीं रखते हैं, लेकिन काली माता है तो माता ही ना, तो इसलिए आप उनकी कृपा प्राप्ति के लिए करें और माँ दुर्गा के मंत्र का जाप करें, ओम धूम दुर्गाय नमः, ये भी आप जप सकते हैं। तो नवार्ण मंत्र भी आप पढ़ सकते हैं। कुल मिला के यहाँ जो मूल जानकारी आपको देनी है वो दीपक की, काली मिर्च मैंने इसलिए नहीं दिखाई है, काली मिर्च आप सबको पता है कि काली मिर्ची कैसी होती है। काली मिर्च के 3 दाने 4 दाने कितने भी दाने इसमें डाल दीजिए, थोड़ा बड़ा भी आप बना सकते हैं। कुल मिला के मुझे तो आपको जानकारी देनी थी, इसलिए मैंने छोटा सा दीपक बनाया, आप बड़ा भी इसको बना सकते हैं। ये अखंड ज्योत के लिए इसकी आवश्यकता नहीं, अखंड ज्योत वाला जो दीपक जैसे आप जलाते हैं उसको जलाएँ, लेकिन ये दीपक जो आपके हाथ से बना हुआ है, मिट्टी का दीपक जो आपने अपने हाथ से बनाया है, बत्ती भी हाथ से बनाइए, बनी बनाई रेडीमेड बत्ती प्रयोग में मत कीजिए। जब आप पूजा पाठ करते हैं तो खुद ही मेहनत करिए, भगवान आपके भाव के भूखे हैं। जिसके अंदर भाव होगा वो सब काम खुद करेगा। मार्केट की रोटी अपने संतान को खिलाएं या एक अपने हाथ से बना के संतान को खिलाएं, जमीन आसमान का फर्क है। तो भगवान के समक्ष भी स्वयं के द्वारा निर्मित की हुई चीज़ें जब अर्पित की जाती हैं तो ज़बरदस्त फायदा मिलता है और सिद्धि प्राप्ति होती है। तो इस तरह का किसी भी शेप का आप दीपक बना लीजिए, उसके अंदर तेल भर दीजिए, काली मिर्ची डाल दीजिए और काली माता के मंत्र का जाप करके, माता दुर्गा के जो नॉर्मल मंत्र हैं उनका भी आप जाप करिए। सप्तशती आप पढ़ सकते हैं, सिद्ध कुंजी का स्त्रोत आप पढ़ सकते हैं, दुर्गा माता के 32 नामों का जाप आप कर सकते हैं, माता शैलपुत्री 40 पढ़ सकते हैं। कुल मिला के किसी भी तरह से आप करें पूजा, अपनी भावना को प्रकट करें, और ये जो दीपक है स्वनिर्मित अपने हाथ से बना हुआ, ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग वर्क करता है। मैंने ऑनलाइन मंगाया है ये जो मिट्टी है, आप चाहें तो आप भी इसको ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, और जिस दिन भी आप चाहे ये प्रयोग कर सकते हैं। 9 दिन है पूरे आपके पास में, कभी भी इस तरह का दीपक जलाकर करिए, आपको सिद्धि ज़रूर प्राप्त होगी, आपको माँ मालामाल करेगी, आपके घर में सारे शुभ मांगलिक कार्य होने लगेंगे, धन का आगमन होने लगेगा। तो ये छोटी सी जानकारी मुझे आज आपको देनी थी, उम्मीद करती हूँ ये आपको काफ़ी पसंद आई होगी।